जोशीमठ में घरों को ध्वस्त करने का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। प्रशासन होटल मलारी को तोड़ने में जुटा है। आपको बता दें कि खतरे के निशान वाले भवन अब तोड़े जाएंगे, ये एक्शन लिया जा रहा है जोशीमठ में। जितने भी खतरे के निशान वाले होटल हैं, यानी जिनमें क्रॉस लगा हुआ है, वो तोड़े जाएंगे। ये प्रक्रिया होटल मलारी को शुरू हो चुकी है गिराने की, ध्वस्त करने की। और आपको बता दें कि जोशीमठ में प्रशासन लगातार दरारों पर नजर रख रहा है, सर्वे टीम दरारों को नाप रही है। देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर एक टीम मौजूद है जो कि दरारों का नाप ले रही है कि किस तरह से वो दिन ब दिन और इंच दर इंच यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं जो कि लगातार जो दरारों की लंबाई है उसका नोट यहाँ पर बनाते हुए आपको दिख जाएंगे। सर, आप लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं, कितना बढ़ रहा है हर रोज के हिसाब से? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जी, कहीं 5 सेंटीमीटर, कहीं 2 सेंटीमीटर, यही है सर। और आप हर रोज इलाके का सर्वेक्षण करते हैं इस तरह से? जी जी जी, पर डे कर रहे हैं सर। यानी हर दिन के हिसाब से कुछ न कुछ सेंटीमीटर जो है वो बढ़ रहा है जी। तो एक चिंता का कारण यहाँ के लिए हो सकता है? जी, चिंता का कारण है ही सर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रजिस्टर पर ये नोट ले रहे हैं कि हर दिन का यहाँ पर तारीख के हिसाब से आप देखेंगे कि ये 14 तारीख का है, उससे पहले का है। एक बार तस्वीरें दिखाइए पन्ना पलट के। तो इस तरीके से हर इलाके का और हर जगह जहाँ जहाँ प्रभावित इलाके हैं और दरार हैं उसका सर्वेक्षण करते हैं ये लोग और डेली ये नोट बनाते हैं। और देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी मदद से गहराई का और लंबाई का पता लगाने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख लीजिए कि ये गैप जो है पिछले दिनों से कुछ बढ़ा है। यहाँ पर रेड मार्क किया हुआ है, जगह जगह इस तरह के रेड मार्क लगाए गए हैं और उसी पॉइंट से अगले पॉइंट तक की लंबाई नापी जाती है और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने सेंटीमीटर और कितना गहरा ये हर दिन के साथ होता जा रहा है। देखिए इस तरह से इसका नाप लिया जाता है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।